स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चिंतामणि किचन ब्लॉग पर। आज हम आप सभी के साथ एक स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उस रेसिपी का नाम है सोया चॉप। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये सोया चॉप स्टिक है। अब हम सोया चॉप और स्टिक को अलग कर देंगे। अब एक एक करके हम सोया चॉप को निकाल लेंगे। हमने सारे सोया चॉप अलग कर दिए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पर सारे पीसेस कट चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल पहले से ही गरम कर लिया था। अब हम सोया चॉप को एक एक करके फ्राई करेंगे। सोया चॉप को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कलर कितना सुंदर आ गया है और ये ब्राउन भी हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे सोया चॉप को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हम फ्राई किए हुए सोया चॉप को आपको कट करके दिखाते हैं। इसके अंदर अच्छी लेयर बन चुकी है, देखिए। हमने सारे सोया चॉप फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। और इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। यहाँ पर हम आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम ग्रेवी बना रहे हैं तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अब हम ब्राउन ऑनियन रेडी करेंगे। उसके लिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम प्याज को इसमें डाल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सारी रेसिपीज़ मिलती रहें और आप हमारे रेसिपीज़ का आनंद उठाते रहें। तो देखिए ब्राउन ऑनियन रेडी हो चुका है। इसे हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया है। इसे हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और आधा कटोरी पानी ऐड करके इसका हम प्योरी बना लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है जो गरम हो चुका है। अब इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-4 लौंग और 1 इंच दालचीनी, और इसमें 1 तेज़पत्ता भी ऐड किया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर का प्योरी बना लिया था, उसे डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट डाला है। अब 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से चला लेंगे और जब तक ग्रेवी गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप हमारे वीडियो में अब तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमने जो प्याज पीस के रखा था उसे डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिलाकर 2 मिनट तक पकाएंगे। अब
अब ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसमें हमने जो मैरिनेट करके सोया चॉप रखा था उसे डाल लेंगे। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट पकने देंगे। तो देखिए ये बनके रेडी हो चुका है एकदम ड्राई। इसे हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो ग्रेवी में भी आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए कैसी लग रही है आपको हमारी ये रेसिपी।